स्वागत है। आज बेसन आटे की स्पेशल डिश बना के आपको दिखाएंगे। जो बच्चा रोटी खा के राजी नहीं होते उसको बहुत शौक से खाएंगे, और आपके लिए हम आज बना कर दिखाते हैं। हमने एक कटोरी आटा लिया है, एक कटोरी आटा लेके इसको हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे आपको दिखाएंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, बच्चों के लिए अच्छी रहती है अजवाइन को ऐसे क्रश करके डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, खस्ता स्पेशल बनके बच्चों के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना एक चमचे से थोड़ा कम है ये तेल डाला है हमने, रिफाइंड है, और आप घी खाते तो घी डाल सकते हो, हमने रिफाइंड ही डाला है, हमारे बच्चे रिफाइंड पसंद ज़्यादा करते हैं इसलिए ही डाला हमने। अब इसको तैयार करते हैं, मिला के पेस्ट का डो बनाएंगे, डो बना के फिर आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या सामान डाल के और बच्चों के लिए हम स्पेशल डिश बना कर तैयार करते हैं, और आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना। बच्चे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा इसको ऐसे नहीं गूंदेंगे, ना ढीला होगा ना कर्रा होगा, जैसे आटा रोटी का गूंदते हैं ऐसा ही गूंदेंगे इसे। हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है, अब इसको इसे ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इसके लिए जो अंदर के लिए बनाएंगे पेस्ट उसको आपको दिखाएंगे। ये बेसन ले लेते हैं भर भर के, उसका हम पेस्ट बनाएंगे जो उसके ऊपर चढ़ाने के लिए, और इसको पतला पतला घोल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम मिर्ची डालेंगे, थोड़ा इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्का हल्का तक मसाले में आगे भी नमक पड़ेगा इसलिए। अब इसको पतला पतला घोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको घोल लेते हैं। तैयार हो चुका है, ऐसा पता रखना है, फिर हम आगे की डिश की तैयारी करते हैं। आपको सब पार्टों अच्छे से देखना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा हम सरसों डालेंगे, ये दो चार बीज सरसों के डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे इसके अंदर, जरा सी इसमें अजवाइन भी डालेंगे खसू के लिए, और एक छोटी हींग डालेंगे इसके अंदर। इसे डालने के बाद फिर हरी मिर्ची डालेंगे, प्याज डालेंगे, थोड़ा मछलियाँ अच्छे से टमाटर में काटा है उसको डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी मिर्ची डालेंगे, खटाई डालेंगे, इससे चटपटा खट्टा अच्छा सा स्वाद आ जाएगा इसके अंदर। और इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे, बेसन को इसके अंदर सेक लेंगे, बेसन कच्चा ना रहना चाहिए इसलिए उसको बेसन को इसके अंदर सेकेंगे, मध्य आँच पर बेसन सेक जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कटोरी में निकाल लेते हैं। पेस्ट हमारा तैयार है, डो बन के तैयार हो चुका है, हमने काफ़ी देर इसको रुक के रखा था, अब देखो तैयार है। अब इसको अच्छी तरह मल लेंगे, और अब इसके हम छोटे छोटे चार पेड़े तोड़ेंगे, बराबर बराबर के चार तोड़ेंगे बराबर बराबर के पेड़े। अब इनको हम इनकी रोटियां बनाएंगे, बेल रहे हैं, हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बस रोटी के जैसा ही बेलना है इसको। हम इनको चारों को बराबर बेल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसमें
इसके जो पेस्ट बनाया है उसके अंदर भरेंगे। बेल के इसके अंदर ये जो हमने डो बनाया था इसको पतला पतला इसके ऊपर लेप करेंगे, पूरी रोटी के ऊपर हम लेप कर देंगे इसका। ऐसे बहुत बच्चों को खाने बहुत स्वाद लगेगा और आप जरूर बना कर दिखाइए अपने बच्चों के लिए। ऐसे हमने इनको चारों रोटियों के ऊपर लेप कर देंगे इसका हल्का हल्का। आपके बच्चे हरी मिर्च खा सकते हैं तो डालना, नहीं खा सकते तो मत डालना। अब ऐसे इसको धीरे धीरे ऐसे फोड़ेंगे इसको। अब यहाँ पर थोड़ा खुला हुआ है तो हमने जो बेसन का बनाया था बैटर उसको हल्का हल्का यहाँ लगा देंगे, उससे ये चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इधर से इसको ऐसे मोड़ देंगे और इधर से भी इसको मोड़ देंगे ऐसे। अब इसको ऐसे ही हम चारों को तैयार कर लेते हैं। तैयार कर लिए ऐसे और अब इनको काटेंगे। अब आपको काट के दिखाएंगे। अब रोलों को ज्यादा छोटे नहीं काटेंगे, इतने बड़े साइज में काटेंगे। अब इन रोलों को हम ऐसे हाथों से सहारे से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, हल्का हल्का दबा दबा के इनको साइड में रख देंगे। फिर इनके आपको बताएंगे ये सीखेंगे कैसे। इनको हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और हमारी जो साइड बची थी इसे हमने सनक चार बना दिया एक चम्मचों के अंदर लगा के। ये को हमने बेस्ट नहीं किया है, अब हम इनको सेकने के लिए जा रहे हैं। अब सेक के इसमें ये हमने जो बनाए हैं रेसिपी खस्ता इसको आपको दिखाएंगे। हमने ये बेसन भूरा था, अब इस बेसन में हम टिप करेंगे इनको ऐसे करके और टिप करके फिर इस चम्मच की मदद से इसके अंदर हम डालेंगे सिकने के लिए। ऐसे हमने ये बनाई थी स्नैक्स हका चम्मच पे, इसको भी हम सेक लेते हैं इसके अंदर डाल के। और ये अच्छे सिक जाएंगे तब आपको निकाल के दिखाएंगे। ये हमने चम्मच पे स्नैक्स बनाए हैं जो हमने शार्ट काटी थी उनको बेस्ट नहीं जाने दिया है और बच्चे खाकर बहुत खुश होंगे इनको। अब ये सिक जाएंगे आपको दिखाएंगे निकालते हुए। अब इनको हम निकाल रहे हैं भाई और बाकी के भी आपको ऐसे ही सेक के दिखाएंगे कितने सुंदर कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। बच्चे इस नाश्ता और आटे से ये रेसिपी बनाई है और इसमें सब घरेलू चीज़ें डाली हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो बाजार से ला कर तुमको अलग से डालनी पड़े। अपने बच्चों को बड़ों को बना के खिलाइए। बच्चे कई बार रोटी नहीं खाकर राजी होते तो इसे खिलाइए, बहुत शौक से खाएंगे। हमने इसकी साइडें काटी थी, चम्मच में लगा कर इसको सिलक बच्चों के लिए बना कर तैयार कर दिया है। और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फॉलो करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और आपका प्यार ऐसे देते रहना। और ऐसी अच्छी चीज़ बनाकर आपको दिखाऊंगी और आपके लिए मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।